हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। इसमें आपको यूपीएससी के सिलेबस की जानकारी हिंदी में दी जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में ये बताया जाएगा पिछले कुछ सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तथा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी, इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आप सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है तीन चरणों में आयोजित होगा। सबसे पहले आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे, उसके बाद मेंस एग्जाम होंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की, जिसमें दो क्वेश्चन पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है सामान्य अध्ययन 1 का होता है और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन 2 का होता है। सामान्य अध्ययन 1 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा तथा इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। अगर क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन 2 यानी कि सी सेट के पेपर की। इसमें आपसे टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। और अगर क्वेश्चन टाइप की बात करें तो इसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की यानी कि मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें 2 पेपर जो है आपके क्वालिफाइंग होंगे। पहला पेपर जो है पेपर ए, जो अनिवार्य भारतीय भाषा का होगा जो कि 300 नंबर का होगा, और बी पेपर जो आपका है अंग्रेजी का, ये भी 300 नंबर का होगा। ये दोनों पेपर जो है आपके क्वालिफाइंग होंगे, ये मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। उसके बाद पहला पेपर जो है आपका निबंध का होगा जो 250 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन 1 का होगा जो कि 250 नंबर का होगा। तीसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन 2 का होगा जो कि 250 नंबर का होगा, और चौथा पेपर सामान्य अध्ययन 3 का होगा जो कि 250 नंबर का होगा। पांचवा पेपर आपका सामान्य अध्ययन 4 का होगा जो कि 250 नंबर का होगा। छठा और सातवां पेपर जो है आपका वैकल्पिक विषय से होगा यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से। आप यहां पर एक वैकल्पिक विषय चुनेंगे जिसके 2 पेपर होंगे। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट चुन सकते हैं अलग अलग पेपर के लिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, आपको केवल एक सब्जेक्ट चुनना है जिसके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। इसके अलावा अगर आप घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा 3 नए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। अनअकैडमी द्वारा 1 हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है, लक्ष्य यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021। इसके साथ ही 1 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है और तीसरा बैच जो है आपका बाइलिंगुअल होगा। इसमें डिटेल में सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो यदि आप घर बैठे ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स परचेस कर लें। कोर्स खरीदते समय अगर आप एसआर अड्डा कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के, प्रीलिम्स के सिलेबस की। प्रीलिम्स में बात करते हैं फर्स्ट पेपर की जो कि सामान्य अध्ययन 1 का है जो कि 200 नंबर का होगा। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और विश्व भूगोल, जिसमें आपसे भौतिक सामाजिक भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा भारतीय राजनीति और शासन में आपसे संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति तथा अधिकार मुद्दे आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आर्थिक तथा सामाजिक विकास, इसमें आपसे सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि से संबंधित क्वेश्चन होंगे।
वहीं पर पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के सेकेंड पेपर की, जो सामान्य अध्ययन सेकेंड का होगा, जिसे सी सेट बोलते हैं, जो कि 200 नंबर का होगा। इसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें समझना यानी कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अपनी समझ से उस टॉपिक को पढ़कर आंसर करना होगा। इसके साथ संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, निर्णय लेना तथा समस्या समाधान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, सामान्य मानसिक क्षमता से संबंधित क्वेश्चन होंगे तथा बुनियादी संख्या जिसमें संख्या और उनके संबंध तथा परिमाण के आदेश आदि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। उसके साथ ही डेटा व्याख्या जिसमें आपसे चार्ट, रेखांकन, तालिकाओं तथा डेटा की पर्याप्तता आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के क्वेश्चंस का लेवल जो है 10th स्टैंडर्ड के बराबर का होगा, जो कि एनसीईआरटी से संबंधित होगा। अब बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा का सेकेंड पेपर जो है क्वालिफाइंग होगा। इसमें सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा, मिनिमम 33% नंबर लाना है सभी को। जिनके 33% से कम नंबर होंगे वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे पेपर ए और पेपर बी की, जो कि क्वालिफाइंग है, इनको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। पेपर ए जो है आपका अनिवार्य भारतीय भाषा तथा पेपर बी जो है आपका अंग्रेजी का होगा। पेपर ए में आपसे कॉम्प्रिहेंशन तथा सटीक लेखन और उपयोग और शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे लघु निबंध पूछा जाएगा तथा अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पेपर बी की, जो अंग्रेजी का होगा। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली तथा लघु निबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे पेपर वन की, जो कि निबंध का होगा। इसमें कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आपको निबंध लिखना होगा। दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन वन है। इसमें आपसे भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास तथा भारतीय समाज और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन सेकेंड का होगा। इसमें भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा पेपर आपका सामान्य अध्ययन थर्ड का होगा। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा पेपर आपका सामान्य अध्ययन फोर्थ का होगा। इसमें आपसे नैतिकता और मानव इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मनोवृत्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भावनात्मक बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सार्वजनिक तथा सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे, शासन में संभावना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। छठा और सातवां पेपर जो आपका वैकल्पिक विषय का होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा जिसके दो पेपर होंगे। इसमें आप कृषि विज्ञान चुन सकते हैं, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान चुन सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा तथा अर्थशास्त्र, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुन सकते हैं, या फिर भूगोल, भूगर्भ शास्त्र और इतिहास चुन सकते हैं। आप कानून विषय चुन सकते हैं, असमिया लिटरेचर, बंगाली, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी चुन सकते हैं, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, या फिर आप गणित विषय चुन सकते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुन सकते हैं, चिकित्सा विज्ञान चुन सकते हैं, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय तथा मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, आंकड़े तथा प्राणी विज्ञान विषय चुन सकते हैं। अगर मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहां पर डाउनलोड करें, लिंक पर क्लिक करके हिंदी में इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसके पीडीएफ को
उसके सामने डाउनलोड करें लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 275 नंबर का होगा। अब बात करते हैं पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम की। फर्स्ट पेपर में 2013 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर अर्थव्यवस्था एवं सरकारी योजना तथा संस्थाओं से संबंधित 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यावरण से संबंधित 17 क्वेश्चन 2013 में पूछे गए थे, कृषि से संबंधित 5 क्वेश्चन थे और भूगोल से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, इतिहास और संस्कृति से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा एवं चर्चित व्यक्ति से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह आप इसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। 2014, 15, 16, 17, 2018, 19 इन सब की जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं तथा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं। इसके साथ ही इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।